हापुड़ के नगर पालिका पिलखुवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 102वां मन की बात कार्यक्रम सुना गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में गाजियाबाद सांसद जनरल वी के सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिलखुवा चेयरमैन विभू बंसल के द्वारा की गई। आधा घंटे चले कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुने और सभी ने नरेंद्र मोदी के द्वारा रखे गए विचारों की सराहना की। वही जनरल वी के सिंह ने आगामी 2024 में आ रहे लोकसभा चुनाव को जीतने व आगामी सरकार बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर जोर दिया। कहा कि आगामी सरकार भाजपा सरकार ही होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगरपालिका चेयरमैन विभू बंसल ने कार्यक्रम में शामिल होने वर सांसद जनरल वी के सिंह को बधाई दी और आगामी लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने के लिए आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान अजीत तोमर, निशांत सिसोदिया, विभू बंसल, विश्व प्रकाश शर्मा, उमेश राणा, मयंक गोयल, नरेश तोमर, हरीश अग्रवाल, सचिन पुंडीर, अंकित गोयल, विकास तोमर, सुशील तोमर, निर्मल कोरी, हाजी जहीरू, चेतन राणा, डॉक्टर मुकेश शर्मा, कमल कंसल, नफीस ललितकर, मोदी, मनीष माहेश्वरी समस्त सब सदगण सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बोलेंगे भारत माता की जय। मंच पर विराजमान गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद और जिन्होंने 2014 और 2019 में आप सबके आशीर्वाद से आजाद भारत में सर्वाधिक वोटों से विजय प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया, ऐसे परम श्रद्धेय जनरल वी के सिंह जी, यहाँ मौजूद जिलाध्यक्ष भाई उमेश राणा जी, नगर पालिका के नवनिर्वाचित चुने गए चेयरपर्सन चेयरमैन आदरणीय विभूति जी, भाई अजीत जी, भाई हमारे निशांत तोमर जी, आदरणीय हमारे शर्मा जी, भाई ललित मोदी जी, यहाँ मौजूद हमारे मंडल अध्यक्ष भाई हरीश जी, सभी किया वो कार्यक्रम हमारे सामने। 21 जून हम सब लोगों को घर घर में योग दिवस के कार्यक्रम मनाने हैं और ये जो 9 साल हमारे मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं, इसमें संकल्प करके पूरी ताकत के साथ में हमें मोदी जी के साथ खड़ा होना है। 2024 में एक अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा, चौधरी साहब बैठे हैं यहाँ पर, विभू भाई के चुनाव कार्यालय पर बात चल रही थी 4 दिन पहले, रिजल्ट आने से पहले, मैंने कहा मैंने पहली बार प्रेडिक्ट की थी जनरल साहब जो है लगभग 5.5 से 6 के बीच जीतेंगे। मयंक जी, नगर पालिका के नव निर्वाचित चेयरमैन विभू बंसल जी, ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया जी, यहाँ पर सभी अगर एक तरफ से लिए जाए तो ललित मोदी जी, शर्मा जी, हमारे अजीत तोमर जी, नरेश तोमर जी और हरीश अग्रवाल जी, सभी अन्य पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं और आप सभी सम्मानित जो आज इस मन की बात के कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। आप सब शामिल हुए उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनके बारे में भाई जी ने बताया, ये वो है जिससे कि हम लोगों के पास जा रहे हैं कि मोदी जी की 3 करोड़ लोगों को मिल चुका। अगर आपके गांव के अंदर जल जीवन मिशन के नीचे आपका गांव आता है, आपके गांव के अंदर नलका भी लगेगा, उसमें पानी मिलेगा। अगर कोई गरीब था जिसको गैस के कनेक्शन की आवश्यकता थी, उसको गैस कनेक्शन मिला, 9 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन मिल चुके। तो कोई ऐसी योजना नहीं है जो कि भेदभाव की है, जो कि तुष्टिकरण की, जो कि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने की, और ये सामाजिक व्यवस्था हमको आगे लेकर जाए। इस चीज को याद, कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जिस पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम कहां से कहां आ। 14 के अंदर भारत 10वीं अर्थव्यवस्था 10 नंबर पर, इन 9 साल के अंदर हम 5वें नंबर पर हैं और बहुत जल्दी 4वें नंबर पर, यानी कि हमने जो हमारे शासक के अंग्रेज ब्रिटेन के उनको पीछे छोड़ दिया, अब जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी कर। और आपकी जो जीडीपी है उसकी सबसे बड़ी एक खूबी यह है कि उसका 2/3 महत्व को काम करने के लिए
उनके पास 24 के बाद समय नहीं है। एक बार आप 24 के अंदर आते हैं मजबूत सरकार को लेकर, तो मानकर चलिए ये सब लोग जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, ये सब लोग जो भारत के अंदर दंगे कराने की बात करते हैं या तुष्टिकरण की बात करते हैं या अलग अलग जातियों को बांटने की बात करते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं? तो ऐसे भारत को लाने के लिए मेहनत आपने करनी है, ताकि अभी से हम लग जाएं, अभी से हम लोगों को समझाएं कि देखिए ये उल्टी सीधी बातें चलेंगी, कोई कुछ चलाएगा कोई कुछ चलाएगा, विचलित नहीं होना, अपने रास्ते से अलग नहीं होना, रास्ता एक है। अर्जुन की तरह वो मछली दिखनी चाहिए, मछली की आंख दिखनी चाहिए। हमने 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके पुनः केंद्र के अंदर लाना है, ताकि और अच्छे काम हो सके और भारत जो एक रास्ते पर चला है उस रास्ते के ऊपर देश है। देश की बात है, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं। तो ये छोटा सा एक आपके लिए संदेश था। मुझे आशा है कि हम सब बीच बीच में मिलते रहेंगे। यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारी आपके मदद के लिए हैं, जो कि आपको बताते भी रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि हम सब इसको आगे तक फैलाएं, सब जगह बताएं, और किसी को दंगा फसाद ना करने दें, किसी को भड़काने ना दें, किसी को अफवाह ना फैलाएं। ये सब होगा, हर इलेक्शन के अंदर आप देखते जाइए ये किया। एक बार लेकिन एक चीज को मानकर चलिए, सबकी याददाश्त जो है बहुत कमजोर। आप आज काम कर दीजिए, अगले साल आप पूछिए या दो महीने के बाद पूछिए, कहेंगे जी कौन सा काम किया, ऐसा ही होता है। तो ये काम बार बार अगर मोदी जी के हम गिनाएंगे नहीं, और काम इतने हैं कि अगर आप उनको गिनना शुरू करेंगे तो उनकी गिनती खत्म नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है दो तीन चीज जानना। पहली चीज कि हम जो हमारे सरकार के अच्छे काम है उनको सबको बताइए, चाहे वो केंद्र की तरफ से हुए हो चाहे प्रदेश की तरफ से हुए हो। दूसरी चीज हम अपने मन के अंदर समझे कि आज 9 साल के बाद भारत कहां पर पहुंचे। जितना विदेशी मुद्रा का हमारे यहां निवेश हुआ, FDI का जो निवेश हुआ, उसका 60% पिछले 9 साल में, और क्यों हुआ है? आप अपना पैसा अगर कहीं पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका मतलब आगे बढ़ने की और गुंजाइश है अगर इस मार्केट को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। और अब जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे वो एक जिला एक उत्पाद हो या आत्मनिर्भर भारत हो, जिस तरीके से इन चीजों को उठाया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हम एक ऐसी जगह पर होंगे जिसकी कल्पना मोदी जी ने आपके लिए 2047 के लिए रखी है कि हम एक विकसित देश। वीके सिंह जी, जिला प्रभारी मयंक गोयल जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष उमेश राणा जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षपति प्रमोद नागर जी, हरीश अग्रवाल जी, बड़े भाई नरेश तोमर जी, ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया जी, अजीत भैया, आदरणीय विश्व प्रकाश शर्मा जी, ललित मोदी जी मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, भाई सचिन पुंडीर जी, सभी यहाँ पर नवनिर्वाचित सभासदगण, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज जो है नगर पालिका प्रांगण में आदरणीय जनरल वीके सिंह जी के चरण यहाँ पर पड़े। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर इस प्रांगण में जो है आप आकर जो है मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर कर लेते, और सर ने मेरी एक ही विनती पर मेरे इस बात को जो है उन्होंने मान लिया। और जैसे कि अभी सर ने बताया, तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें किसी अफवाह में नहीं पढ़ना है। और 2024 के चुनाव का जैसे कि सभी को मालूम है बिगुल बच चुका है, और इस बार भी जो है जैसे अभी मयंक भैया ने बताया कि इस बार जो गाजियाबाद लोकसभा की जो जीत होगी वो पूरे देश के अंदर सबसे प्रचंड जीत होगी। तो हमें इसी
रास्ते में काम करना। और अभी जैसे सर ने बताया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आप सब लोगों के लिए सभी हर वक्त उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है, किसी की कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आप कभी भी हम लोगों से संपर्क करेंगे तो हम लोग हर वक्त आपकी सेवा में उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।